हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एडिट जोन। मेरा नाम है लोकेश और यह है अनूप सर। आज हम बात करेंगे एड्यूज 10 के बारे में, एड्यूज एक्स के बारे में। एड्यूज एक्स रिलीज़ हो चुका है और इसके जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी डिज़ाइन है वो काफ़ी नई है और जो इसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है पहले से, और आज इसी के फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। तो इसके बहुत बेहतरीन फीचर्स हैं जो काफ़ी अपडेट हो चुके हैं। जैसे कि हम बात करें सबसे पहले बैकग्राउंड रेंडर, तो बैकग्राउंड रेंडर जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी फिल्टर या कुछ भी ट्रांजेक्शन अगर यूज़ करते हैं हमारी फाइल में, तो कई बार देखते होंगे आप वो फाइल ऊपर से ऑरेंज ऑरेंज हो जाती है, तो वो प्ले नहीं हो पाती है प्रॉपर। तो उसको प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ जी होता है, शॉर्ट कमांड होती है, उससे क्या होता है वो रेंडर करता है उसे टेम्परेली। ठीक है, तो उसे रेंडर करने के लिए क्या होता है, जब तक वो रेंडर होता है तब तक हमें वेट करना होता है उसका। ठीक है, तो हम कोई काम नहीं कर पाते। अब इसमें क्या होगा कि ये अगर आप रेंडर लगाते हैं तो वो कंटिन्यू रहेगा और आप आगे कोई भी काम कर सकते हैं, तो आपको बीच में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बैकग्राउंड में रेंडर होता रहेगा वो, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अगले फीचर्स पे, जैसे कि बैकग्राउंड एक्सपोर्ट। तो बैकग्राउंड एक्सपोर्ट में क्या होगा, अभी तक हम जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने पार्ट जो भी हमारा कंप्लीट कर लिया उसके बाद में हम उसे एक्सपोर्ट लगाते हैं, तो एक्सपोर्ट लगाते हैं तो वो जब तक एक्सपोर्ट होता है जब तक हम PDF पे कोई भी काम नहीं कर सकते, एक तरीके से वो हमारे लिए यूजलेस है। अब क्या हो रहा है कि अब आप जब भी एक्सपोर्ट करेंगे तो आप काम भी करेंगे और साथ में एक्सपोर्ट भी होगा, मतलब जो भी आपने पार्ट बनाया एक घंटे का या 15 मिनट का, जो भी आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसे एक्सपोर्ट कीजिए और आगे आप काम कंटिन्यू कीजिए, तो वो आपका बैकग्राउंड में एक्सपोर्ट होता रहेगा, मतलब एक्सपोर्ट भी चलता रहेगा अपना और काम भी चलता रहेगा। तो उसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा और साथ के साथ आपका काम रेडी हो जाएगा। और ये बहुत अच्छा फीचर्स है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, कई कस्टमर्स की हमारे पास कंप्लेंट आती है कि सर इसका ऐसा कोई ऑप्शन है कि जो हम रेंडर भी साथ ही साथ कर दें या कुछ करें, तो वो अभी तक नहीं था सॉल्यूशन, और वो 10 के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है और बहुत बढ़िया फीचर्स हैं। फिर अगला है हमारे पास में ट्रैकिंग मोशन। इसके अंदर हमारे पास में दो मोड होते हैं, एक होता है चेस्ट मोड और एक होता है एंकर मोड। तो चेस्ट मोड में क्या होता है कि जैसे अगर आपने कोई भी मूवमेंट, जैसे कोई लड़की है या कोई दुल्हन है कोई मूवमेंट कर रही है और उसको आप ट्रैक करेंगे, तो उसके साथ में आप कोई भी टाइटल या कोई भी इमेज जो है उसके साथ मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, okay. और दूसरा होता है एंकर मोड। तो एंकर मोड क्या होता है, आपका एक तरीके से 4 एंगल में वर्क करता है। ठीक है, तो उस एंगल में जैसे क्या होता है, हम किसी का इंटरव्यू शूट कर रहे हैं है ना, और हैंड से शूट कर रहे हैं, विदाउट मोनोपॉड के अगर शूट कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है थोड़ा बहुत मूवमेंट हमारा इधर उधर होता है, तो वो तो वो अच्छा नहीं लगता। तो उसमें क्या, आपका जो एंकर मोड जो है वो उसे स्टेबल कर देगा बिल्कुल परफेक्ट। ओके, तो वो आपके वहाँ यूज़ आ सकता है और बहुत अच्छा यूज़ है उसका। और आप इसके अलावा और भी हमारे आपके जैसे कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो उनमें भी आपके काम आएगा। फिर इसके अंदर है ऑडियो सिंक्रोनाइज। तो ऑडियो सिंक्रोनाइज वैसे 9 के अंदर भी था, लेकिन 9 के अंदर क्या होता था कि जैसे मान लो आपके कोई अब संगीत आप शूट कर रहे हैं, एक आपका फ्रंट कैमरा है एक साइड कैमरा है। ठीक है, अब दोनों कैमरों को आपको अगर मैच करना है तो उनको मैच करने के लिए हमें क्या होता था, पहले फर्स्ट ट्रैक लो, फिर सेकंड ट्रैक पे वो वीडियो रखो, फिर दोनों को देखो, उनका ऑडियो मैच करो, तो काफ़ी टाइम लगता था। तो ये 9 के अंदर ये फीचर आ चुका था, लेकिन वो क्या करता था, जैसे हम अगर ज़्यादा फाइल अगर हम देते हैं, जैसे अगर 10-10, 15-15 मिनट की फाइल अगर एक साथ देते हैं तो वो टाइम लेता था, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ और वो बहुत फास्ट हो गया है पहले से। आप जैसे ही करेंगे वो विद इन आपका 3 या 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर देगा पूरे आपकी वीडियो को, और वो पूरे ऑडियो और वीडियो दोनों को बैलेंस करके सेट करके दे देगा। तो जैसे हम इसके अंदर 3 से 4 कैमरे अगर अलग अलग एंगल से यूज किया हुआ जिसमें ऑडियो सेम है, जैसे संगीत का या कोई भी इवेंट का, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो मैच कर देगा एक साथ वो, हाँ उनको सेट कर देगा, चाहे आपका 4 लेयर हो 5 लेयर हो कितना भी लेयर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, तो ये थे एड्यूज के टॉप फीचर्स, जैसे बैकग्राउंड एक्सपोर्ट, बैकग्राउंड रेंडरिंग, ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन और जो मोशन ट्रैकिंग थी, ये काफ़ी यूज़ में हमारे आ सकती है। और इस बार आपको एड्यूज एक्स के साथ इसके बंडल में भी कुछ प्लगइन्स मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले ऑडियो फिल्टर की बात करें तो ऑडियो फिल्टर के अंदर हमें एकॉन डिजिटल मिलता है ई एडिशन का। सेकंड आपका जो अगर वीडियो ट्रांजिशन या इफेक्ट्स की बात करें तो उसके लिए प्रोडेट का विटासिन V4 मिलता है। तीसरा जो है आपका जो टाइटलिंग, उसके लिए आपको न्यू ब्लू का टाइटलर प्रो 7 है, उसके साथ हम टाइटल एड कर सकते हैं। ये जो बंडल है ये हमारे किस तरह से यूज़ में आ सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे आपने कहा अभी ऑडियो फिल्टर, तो ऑडियो फिल्टर हमारे पास ऑलरेडी वैसे ही बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये एक एडवांस लेवल का ऑडियो फिल्टर है। तो जैसे कि आप कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि किसी की एंकरिंग या कुछ भी, तो वहाँ पे जैसे कुछ थोड़ी बहुत पंखे की या किसी की भी नॉइज़ आती है, हमिंग आती है, तो वो उन चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इस फिल्टर के थ्रू आप उन चीज़ों को भी कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी वॉइस जो है वो बहुत अच्छे क्लियर हो जाएगी। फिर हम बात करें जैसे टाइटलर, तो टाइटलर हम अभी तक जैसे क्विक टाइटलर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हम ज़्यादा 3D इफेक्ट करना है या कुछ करना है तो वो हम कर नहीं पाते, तो इसलिए इन्होंने क्या है अब कि प्रो 7 जो है ऐड किया है और इसमें आप 3D टाइटल यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। फिर आपको जो फिल्टर और इफेक्ट जो मिल रहे हैं वो भी आपके जैसे प्रीवेडिंग है या हाईलाइट है या टीजर है, इनमें आपके बहुत काम आते हैं क्योंकि इनमें हमें बहुत फास्ट इफेक्ट ही होते हैं फास्ट बीट के ऊपर, तो वहाँ पे आपके बहुत अच्छे काम आएंगे, आपको क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, आपको रेडी मिलेंगे। तो ऐसे लगभग 500 टेम्पलेट तो आपके टाइटल के लिए होंगे लमसम। ओके। और भी ऐड हो जाएंगे जैसे जैसे अपडेट होगा, वो कुछ ना कुछ ऐड होगा, और जो आपके इफेक्ट हैं वो भी लमसम 250 के आसपास हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मैं कुछ और क्रिएट करना चाहूँगा, आप देख कर भी सकते हैं। ओके। और इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी हैं जैसे कि जीवी जॉब मॉनिटर्स हैं। तो जीवी जॉब मॉनिटर्स क्या काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया था कि आप बैकग्राउंड रेंडर, बैकग्राउंड एक्सपोर्ट, तो वो आपको कहाँ शो होगा, तो वो आपका जीवी जॉब मॉनिटर जो है वहाँ शो होगा। ठीक है। तो उसमें आपको वो रेंडर होते भी दिखेंगे, कुछ पेंडिंग है वो भी दिखाएगा, जो रेंडर हो गया तो हो चुका उसे भी दिखाएगा। ठीक है। और इसके अंदर आपका एक कोडेक और ऐड हो गया है एक्सपोर्ट के लिए। तो उसके अंदर जैसे पहले हम एक्सपोर्ट करते थे MP4, तो उसके लिए हम H.264 यूज़ करते थे, अब H.265 इसमें ऐड हो चुका है और वो MP4 करेगा, और उसके अंदर आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी और कंप्रेस साइज भी कंप्रेस होगा। ठीक है। और जो इसका ग्राफिक कलर है वो डार्क कर दिया है, पहले से पहले लाइट था थोड़ा, अब डार्क कर दिया है ताकि आपको लेटर्स वगैरह जो भी है वो क्लियर दिखें। तो ये सब इसके एडवांस फीचर्स हैं। और इसके अलावा जो एड्यूज़ की जो ओल्ड यूज़र है जैसे 6 या 7 यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक 8 या 9 नहीं लिया है, तो उनके लिए भी कुछ और भी फीचर्स होंगे? हाँ, उनके लिए भी काफ़ी फीचर्स हैं। जैसे कि हम बात करें बेसिक, तो स्लो मोशन, तो स्लो मोशन के अंदर पहले क्या होता था कि हम 60 से नीचे नहीं जा पाते थे, जाते तो जर्क आने लग जाते थे। अब इसके अंदर आप 20:10 पे भी आप जा सकते हैं और बहुत स्लो मोशन अच्छा रहता है आपका, कहीं दिक्कत नहीं आती, चाहे आपने कैसे भी किसी भी फ्रेम रेट पर शूट किया हो। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करें तो कलर करेक्शन, तो इसके अंदर प्राइमरी कलर करेक्शन है, तो उससे आप अपने पिक्चर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइट, हाईलाइट, शेडो, इन सभी पे आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टेबलाइजर है वो भी एडवांस है, तो जैसे कि आप पिक्चर जब शूट करते हैं हम, तो कई बार जैसे हम हैंड से शूट कर लेते हैं तो वाइब्रेट करता है हमारा हैंड, तो वो उसको वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है और बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसके अंदर आपको मिलता है जैसे ऑटो ट्रैकिंग, तो ऑटो ट्रैकिंग कैसे काम करता है, जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा किसी के फेस को हम ब्लर करके और उसे दिखाते हैं वो ब्लर जाता, तो उसमें ऑटो ट्रैक सिस्टम होता है, तो उसको आप सिलेक्शन दीजिए वो उसे ट्रैक करेगा। तो उसी तरीके से हम उसे और भी अच्छे यूज़ कर सकते हैं हमारी पिक्चर के अंदर, हाईलाइट करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को ब्लर करना, बैकग्राउंड ब्लर करना, ऐसे हमारे बहुत सी चीज़ें काम आता है। अगर आप एड्यूज का कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो तो अभी बहुत अच्छा समय है एड्यूज एक्स को लेने का, क्योंकि एड्यूज एक्स में बहुत सारे ऐसे फीचर्स आ चुके हैं जो पहले एड्यूज के अंदर नहीं थे। और अगर आप एड्यूज एक्स लेते हो तो एड्यूज एक्स के तो जितने भी वर्जन आएंगे, एड्यूज एक्स 0.1, 2, जो भी जितने भी वर्जन आएंगे वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो जिसपे हम एड्यूज के ऊपर कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं प्रोफेशनली, उनके ऊपर हमने वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।